नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। ये लेक्चर आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब, खास करके असम गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाले हैं। इस वीडियो को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए जैसे ही आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प करना है, फिर आगे बढ़ना है और वीडियो के एंड में आपको स्कोर बताना है कॉमेंट बॉक्स में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देख लेते हैं आज हमको कौन कौन से सवाल डिस्कस करने हैं। आज का पहला सवाल थोड़ा हॉट और गर्म रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 497 के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 व्हिच डील्स विद एडल्टरी ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड टू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द जजमेंट। जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्च न्यायालय ने, एक जो सेक्शन है 497 उसको स्ट्राइक डाउन की थी। ये कहे कि ये कुछ फंडामेंटल राइट्स को, जो महिला का फंडामेंटल राइट्स है उसको ये वायलेट कर रहा है। तो क्या है, कैसे वायलेट करते हैं वो हम जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं सेक्शन 497 क्या है। अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे एक ये महिला जो है, वो महिला को मान लो कि ए है, ये व्यक्ति को मान लो बी और इस व्यक्ति को मान लो सी। अगर ये दोनों पति पत्नी है, सपोज मान लो, तो अगर ये जो महिला है, ये पत्नी जो है ए, वो सी के साथ एक रिलेशन बनाता है अपने कॉन्सेंट से, अपने डिसीजन से, और ये पति को बी को पता ना हो, और पति बी क्या करता है, पति बी इसके ऊपर मतलब जो एक्शन लेता है या कंप्लेन कर देता है, तो क्या होगा, एडल्ट्री का जो लॉ है उसके तहत इसको पनिश की जाएगी। ये जो सी है व्यक्ति, वो एक पहलू है। और एक दूसरा पहलू ये है, अगर ये बी जो है, पति जो है, एक दूसरा एक महिला से अगर रिलेशन बनाता है, तो क्या होगा, ये जो महिला है, ये जो पत्नी है ए है, वो ना ही इस उनके पत्नी के ऊपर, ना ही इस महिला के ऊपर वो कोई केस दायर कर सकता है। तो क्या है कि इस महिला का जो राइट टू इक्वालिटी है वो यहाँ पे हनन हो रही है। और ये जो पूरे केस चल रहा है, ये जो वो पूरा कंडीशन चल रहा है, ये एक प्राइवेसी को भी हनन करता है अगर कहीं ना कहीं ये कोर्ट में आ जाता है केस, है ना। तो ये राइट टू प्राइवेसी का जो फंडा है उसको हनन करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा सवाल क्या था। यह हमारा सवाल था कि ये जो सेक्शन 497 है, जो एडल्ट्री लॉ हमने देखा है, वो कौन कौन से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल्स को वायलेट करता है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 17, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22। तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उससे पहले देख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है राइट टू इक्वालिटी, मतलब जो महिला और पुरुष सबको मतलब इक्वालिटी है राइट का। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, महिला और ये पुरुष का इक्वालिटी जो है राइट नहीं हो रहा था, उसका हनन हो रहा था। और आर्टिकल 22 में आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके साथ साथ राइट टू प्राइवेसी भी आता है आर्टिकल 21 के तहत। तो यहाँ पे इस सेक्शन 497 के तहत राइट टू प्राइवेसी का भी हनन हो रहा था। तो इसी कारण हमारे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन की है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं, विच हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के टर्म्स में कौन से हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन है। तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन मद्रास हाई कोर्ट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। पहले इस पिक्चर को देख लीजिए, इस पिक्चर को देख के आप गेस भी कर सकते हैं कौन सा हाई कोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव, और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में चार स्टेट्स आता है, वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो स्टेट्स के हिसाब से ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि इसके ज्यूरिसडिक्शन में चार स्टेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेना क्या है।
from which year Assam was started to be ruled by the governor during the British rule in India. कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से साल से जो आसाम है उसको गवर्नर के द्वारा रूल की जाती है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना? तो पहला ऑप्शन है 1874, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1811. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे देख लेते हैं. करेक्ट आंसर होता है 1921, है ना. 1921 से आसाम को गवर्नर के द्वारा रूल की गई थी. तो दूसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. यह है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द नेशनल हाईवे 37 इज पासिंग ओवर द हिस्टोरिक ब्रिज व्हिच कनेक्ट्स शिवसागर टाउन टू द जोरहाट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द वेस्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. जो नेशनल हाईवे 37 है वो पास होता है हिस्टोरिक ब्रिज के द्वारा. तो वो ब्रिज जो है शिवसागर टाउन और जोरहाट को कनेक्ट करता है. और तो ये कौन सा ब्रिज है जो हम बात कर रहे हैं, है ना? तो ये है आपके सामने ऑप्शन. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है नामदंग स्टोन ब्रिज, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये नामदंग स्टोन ब्रिज है, उस वो बनाया गया था एक मतलब पत्थर को काट के, एक ही पत्थर को काट के बनाए गए थे. वो किसके द्वारा बनाए गए थे? वो रुद्र सिंहा के द्वारा बनवाए गए थे 1703 में. तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिलाराय. जो सिलाराय थे उसका असली नाम क्या था? पहला ऑप्शन है चक्रध्वज, दूसरा ऑप्शन है शुक्लध्वज, तीसरा ऑप्शन है रत्नध्वज और चौथा ऑप्शन हुआ नान एप्टॉबक. तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है इसमें. करेक्ट आंसर होता है शुक्लध्वज. शुक्लध्वज कौन थे? शुक्लध्वज एक नारायण जो कोच किंग थे, राजा थे, उसका कमांडर इन चीफ थे, है ना? तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं. Which movement or revolt of the Indian freedom struggle was known as the People's Revolution? कौन सा movement or revolt या revolt को People's Revolution के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है revolt of 1857, दूसरा ऑप्शन है civil disobedience movement of 1930, तीसरा ऑप्शन है quit India movement of 1942, चौथा ऑप्शन हुआ non-cooperation movement of 1920-1922. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है देख लेते हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 करेक्ट हो जाता है. 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसको पीपल्स रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इन बैंकिंग. जो एनपीए है बैंकिंग में उसका फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने आ रहा है क्योंकि एनपीए का आपको मतलब न्यूज में सुनाई दिया होगा, बहुत सारे मतलब न्यूज आए होंगे एनपीए एनपीए और दामादोल मचा हुआ है पूरा बैंकिंग सेक्टर में ये एनपीए. तो एनपीए क्या है? एनपीए का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा करेक्ट हो जाता है देखते हैं. यहाँ पे नॉन प्रॉफिट एसेट है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी है नॉन प्रोविडेंट फंड, तीसरा ऑप्शन है नॉन पार्टिसिपेटरी एजेंट, चौथा ऑप्शन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे देख लेते हैं, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या होता है दूसरा क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन अंडर विच कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट द इंडियन राइनोसोरस हैज बीन प्लेस. कौन से जो IUCN रेड लिस्ट है कौन से कैटेगरी में उसके जो इंडियन राइनोसोरस है उसको कौन से कैटेगरी में IUCN रेड लिस्ट के अंदर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है वल्नरेबल, दूसरा ऑप्शन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चौथा तीसरा ऑप्शन है एंडेंजर्ड और चौथा ऑप्शन है नियर थ्रेटेंड. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है देख लेते हैं. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि है वल्नरेबल, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. In February 2018, Punjab National Bank was part of India's biggest ever fraud of $1.77 billion by billionaire jeweler Nirav Modi. Who among the following India's freedom struggle was one of the founder of PNB? आपने सुने होंगे न्यूज में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसको लूट के ले गए थे ज्वेलर नीरव मोदी ने, ठीक है. तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि नीरव मोदी ने 1.77 बिलियन लूट के ले गए हैं. तो ये जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक ये न्यूज में है इसलिए हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ ले आगे वाले एग्जाम्स में. तो देख लेते हैं कौन से फ्रीडम फाइटर इसको फाउंड की है. तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है जीके गोखले और चौथा ऑप्शन है एनए बेसेंट. तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाता है. करेक्ट आंसर यहाँ पे आप पहले पिक्चर देख सकते हैं, ये व्यक्ति को यही एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको फाउंड की थी पंजाब नेशनल बैंक को, ये है लाला लाजपत राय जी, ठीक ना. तो अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर.
ये है उमानंदा आइलैंड के बारे में। उमानंदा आइलैंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। उमानंदा आइलैंड जो है आसाम में ब्रह्मपुत्र के बीच में, वो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। तो वो कौन से नीचे दिया गए ऑप्शन में से कौन से जो एनिमल है उसका घर माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैप्ट लेंगूर, दूसरा ऑप्शन है बैक फुटेड ग्रे लेंगूर आसाम मैके के, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है गोल्डन लेंगूर। और ये जो क्वेश्चन है उमानंदा आइलैंड का, ये कहीं ना कहीं आसाम के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में कवर की गई थी, ये न्यूज़ में छाया हुआ था, तो वहां से ये क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन पूछ ले। तो आंसर्स क्या हो जाता है यहाँ पे, आंसर देख लेते हैं। ये है वो एनिमल जिसके बारे में ये न्यूज में छाया हुआ था, ये है गोल्डन लेंगूर। जी हाँ दोस्तों, ये है गोल्डन लेंगूर। गोल्डन लेंगूर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है उमानंदा आइलैंड में, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेक्चर इतना ही, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में भेंट होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जॉय आयर होम।